एकमात्र प्रतियोगिता जीतना नहीं था। तो फिर इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मुझे मेरे अपनों के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर मिला और उसी से मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है। तो क्या माँ किसी भी प्रतियोगिता में जीतना आवश्यक नहीं है? प्रतियोगिता में जीतना अति आवश्यक है पुत्र, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति, जिसके लिए हमें भरपूर परिश्रम करना चाहिए। और फिर यदि प्रतियोगिता में जीत गए तो अति उत्तम, किंतु यदि किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ जाए तो हौसला नहीं खोना चाहिए। क्या करना चाहिए माँ? हमें उस हार से शिक्षा लेकर अपनी कमियों को दूर करने का अथक प्रयास करना चाहिए और पुनः दुगने उत्साह के साथ खेल के मैदान में उतरकर प्रतियोगिता में जीत कर दिखाना चाहिए। और हाँ, हमें ना तो कभी अपने विजय का अहंकार करना चाहिए और ना ही अपने हार के सामने हार माननी चाहिए। तो अब बताओ कल प्रतियोगिता में जाकर क्या करोगे? मारुति कल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगा और खेल का आनंद भी उठाएगा। हे प्रभु, मेरे परिवार की प्रसन्नता को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। कब सुबह होगी और कब वो महंतम केसरी पुत्र को यहाँ मेरे पास लेकर आएगा? आजा केसरी नंदन, मेरे आनंद धन। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्मरण है ना सखा, कल प्रतियोगिता है, कल प्रातः होते ही मुझे उठा देना। और स्मरण रखना सखा, भूलना नहीं। Thank you.
मेरा प्रिय पुत्र, जागते हुए अपनी नटखट बातों और चेष्टाओं से मेरा मन मोहता रहता है। और अब निद्रा देवी की गोद में विश्राम करते हुए भी कैसे अपनी मोहिनी मुस्कान से मेरे हृदय के शांत सागर में हलचल पैदा कर रहा है। प्रिय, अपने सोते हुए पुत्र से क्या बात कर रही हो? प्रिय, जागते हुए ये नटखट इतना अवसर ही कहां देता है कि मैं इसे जी भर के निहार सकूं। किंतु तुम ही तो मुझे समझाती हो कि सोते हुए संतान को निहारने से माता पिता की दृष्टि लगने का भय होता है। ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, अन्यथा मुझे भी तुम्हें प्रेम लोरी सुनाकर सुलाना पड़ेगा। और यदि आपकी लोरी सुनकर हमारे पुत्र की निद्रा टूट गई तो? आपकी प्रेम लोरी सुनना तो दूर की बात, हमें शांति से सोने भी नहीं देगा।